الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى جميع من تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وهده الى الاسلام معزز محترم سامعين اكرام ديني الإسلامي भाइयों تربيه اولاد کا جو वो इस क़दर अहम है कि उस पर तवज्जो ना होने की वजह से औलाद बिगड़ जाती हैं और इससे पहले मैंने कई दरस में बयान किया था कि असल जो उम्र होती है तरबियत की वो तो तीन से लेकर के दस साल की उम्र होती है बाप को भी माँ को भी टाइम उसमें देना चाहिए आज के दरस का मौजू है अबू वहजूरा रज़ील मौज़न रसूल कैसे बने बहुत ही दिलचस्प वाक़ है सबकामोज़ वाक़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं अबू महजूरा अल्लाहु तआला तु उनके मोजिन बनने का वाक़या क्या है किस तरह से उनको यह दर्जा मिल गया वाक़या यूं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज्बे हुनैन से वापस हो रहे थे रास्ते में नमाज का वक्त हो गया किसी सहाबी रसूल ने अज़ान दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहां भी रहो नमाज़ का वक्त हो जाए नमाज अदा कर लो अगर वहां पर सहूलत है तो नमाज में तखिर ना करो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह वसम गजनैन से वापस हो रहे हैं रास्ते में नमाज का वक्त हो गया आपने पड़ाव डाला किसी सहाबी ने अजान दी जब किसी साहबी रसूल ने अजान दी तो वहाँ बहुत सारे काफिर और मश्रक लोगों के बच्चे मौजूद थे कुफार के बच्चे अजान सुन रहे थे तो वो गैर मुस्लिम बच्चे जो थे वहां पे वो उस सहाब रसूल की अजान की नकाली करने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बच्चा अजान की नकाली कर रहा है और उसकी आवाज बड़ी प्यारी है बड़ी खूबसूरत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस बच्चे को ज़रा मेरे पास लाओ वो बच्चा कौन था अबू महजूरा थे छोटे बच्चे अभी इस्लाम कबूल नहीं किया अल्लाह के नबी वसल्लम ने जब उनकी आवाज सुनी भी छोटे बच्चे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस बच्चे को मेरे पास लाओ जब उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कर रहे थे तुम अभी कहा नकल कर रहा था आपकी अजान की आपके जो साहबी अजान दे रहे थे उनकी नक्काली कर रहा था कहा दोबारा जो है अजान कहकर दिखाओ या जो तुम नक्काली कर रहे थे दोबारा उसको पेश करो दोबारा उन्होंने वो क़लिमात दोहराए अजान के क़लिमात उन्हें याद थे अल्लाह के नबी वसल्लम को उनकी आवाज़ और उनका अंदाज इतना अच्छा लगा कि मोहम्मद ने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठा दिया और उनके लिए दो फरमाए वह दही अल्लाह इस बच्चे में बरकत था फरमा और इसको हिदायत की नमत से माला माल कर दे उधर मोहम्मद रसूल वसम ने दुआ फरमाई उधर अल्लाह ने कबूल फरमा ली और अबू मज़ूरा जिन्होंने भी इस्लाम नहीं कबूल किया था अजान के नक्काली कर रहे थे उनकी ज़ुबान से करीमा जारी हो गया अरहद्ला वसूल्ला देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं रसोल ने जब देखा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया कल में शहादत अपनी खुशखबरी दे दी और क्या कहा मक्का। जाओ आज से तुम मक्का के मुजिन हो गए अजान देने की जिम्मेदारी महमद् ने उनको दे दी और फरमाया तुम मक्का के मौजिन हो गए मेरे भाई ये मुख्तसर वाकया है लेकिन इसमें बहुत सारी अहम बातें मालूम होती हैं इस वाक़े को साहिब अलिस्तियाब ने छः सौ अस्सी नंबर पर जिल्द नंबर दो छः सौ अच्छी सफ़ा नंबर पर नकल किया है और तहजीब तहज़ीब में वाकया जिल्द नंबर दो सफ़ा नंबर दो सौ तेईस पर मौजूद है सही वाक़ा तो इससे चंद अहम बातें मालूम हुई सबसे पहली बातें मालूम हुई कि अब वो मज़ूर रज़ी कितनी फजीलत वाले हैं इनको भी मोहम्मद रसोल्ला वसलम की दुआ मिली अल्लाह के पैगम्बर ने दुआ फरमाई इनके हक में और अल्लाह ने कबूल फरमा ली दूसरी बात यह मालूम हुई कि जिस तरह गैर मुस्लिम लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश करने का जज्बा हमारे दिलों में होना चाहिए उसी तरह उनके बच्चों से मुतिक भी हमें फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह उनके बच्चों को भी हिदायत दे दे क्योंकि बच्चे जल्दी बात समझ जाते हैं और तीसरी बात यह मालूम हुई कि बचपन की जो तरबियत होती है वो मौसर होती है बचपन की जो उम्र होती है उसमें बच्चों का दिमाग खाली गिलास की तरह होता है शायर कहता है जो रंग भर दो उसी रंग में नजर आए जो रंग भर दो उसी रंग में नजर आए ये जिंदगी न हुई कांच का गिलास हुआ बचपन में जो बच्चे का जो जहन बिल्कुल साफ शफाफ होता है उसमें जो तरबियत आप करेंगे उसी मुताबिक बच्चे की तरबियत हो जाएगी चौथी बात यह मालूम हुई कि आवाज भी अल्लाह की बड़ी नेमत है अच्छी आवाज़ का होना अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है उसी आवाज़ के जरिए आदमी पूरी दुनिया में दौरा करता है लोग उसकी आवाज़ को सुनते हैं उससे मोहब्बत करते हैं आवाज़ इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है बहुत सारे बच्चे नकाली कर रहे थे लेकिन अबू महजूरा की आवाज़ रजी अल्लाह तआला की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस बच्चे को मेरे पास लाओ दोबारा आपने उनसे कहा कि तुम जो दोबारा कलिमात जो कह रहे थे दोबारा कहो और पाँचवीं बातें मालूम हुई कि अगर बच्चे किसी बड़े इंसान की नकाली कर रहे हो किसी अच्छी चीज़ की नकाली कर रहे हो तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए अभी तू क्या कर सकता है अगर छोटा बच्चा अजान देने की मश कर रहा हो या अजान देने का उसको शौक़ और नकाली कर रहा हो तो उसको डांटना नहीं चाहिए अभी तो अजान नहीं दे सकता उसको सिखाना चाहिए उसकी तरबियत करनी चाहिए या कुरान की नकाली कर रहा है कोई कुरान पढ़ रहा है उसको अपनी ज़ुबान से दोहराने की कोशिश कर रहा है तो उसको डांटना नहीं चाहिए अभी नाजरा नहीं पढ़ा अभी मदरसा नहीं या कुरान पढ़ रहा है उसका हौसला बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसको हौसला जब बढ़ाएंगे तो उसकी तरबियत में इजाफा होगा वो अच्छा नेक बन जाएगा तो हमें और आपको चाहिए कि बच्चों की तरबियत में मुसबत रूल अपनाएं उनकी हर बात पर उनको डांटना डबटना और उनको यह कहना कि तू किसी लायक नहीं होगा अभी तू क्या कर रहा है अभी तेरी उम्र क्या है हैं अभी से तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है बड़ी बड़ी बातें इस पर हमें गौर करना चाहिए क्योंकि बचपन ही से बुनियाद जब मजबूत होती है तो बच्चा तरक्की करता है अल्लाह से दुआ है कि हम हमता मुसलमानों को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तरीक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तोफ़ी अदाफरमा ईमान के साथन फरमा करीम तौँ 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 ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियो देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबक साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला खैरन